हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडिएंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th हॉर्नबिल की पोएट्री फोटोग्राफ, रिटन बाय शर्ले टॉल्स्टॉय। आप इस पोएट्री में देखिए क्या है कि जो पोइटेस है वो अपनी यादें बयां कर रही हैं अपनी मदर की, उनकी मदर जो इस दुनिया में नहीं है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताती हैं हमें। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड किसको बोलते हैं? कार्डबोर्ड जो होता है ये एक कहना चाहिए कि एक बड़ी स्टिफ एंड थिक पेपर बोर्ड होता है, गत्ता टाइप, जिसमें कि फ़ोटो फ्रेम हुआ है, यानी कि पहले टाइम में उसमें फ़ोटो फ्रेम ही किया करते थे। व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग, जब क्या था कि जो दो लड़कियां थी, उनकी जो चचेरी लड़कियां, वो समुद्र में जो थी क्या करने गई थी, मैं पैडलिंग के लिए। पैडलिंग मीन्स समुद्र में थोड़े हल्के गहराई में जाकर उसमें चलना या पैरों को छप छप करना भी पैडलिंग बोलते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है कि वो उसमें थोड़े से हल्के गहराई में चल रही थी। ईच वन वहाँ पर एंजॉय कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, प्रत्येक ने क्या पकड़ा हुआ था? मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था, दोनों ने मेरी मदर के हाथों को पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल ऑन शी किसके लिए आया है? शी जो होता है उसे पोइटेस की मदर के लिए आया है कि क्या थी वो? सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर और सो। वो जो थी कैसी थी? कुछ लगभग 12 या कुछ इससे थोड़ी बहुत, मतलब एंड सो मीन्स मतलब कुछ इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होंगी, या 12 साल की थी, ऐसा ही कुछ थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल थ्री, तीनों की तीनों जो हैं वो स्टूड स्टिल मीन्स बिल्कुल कैसी खड़ी हैं, बिल्कुल विदाउट मूविंग, एकदम से साइलेंट खड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही हैं। थ्रू देयर एंड टू स्माइल, और वो क्या कर रही हैं? मुस्करा रही हैं। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के द्वारा मतलब क्या है? थ्रू देयर हेयर्स का क्या मतलब है कि उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे पर गिरे पड़े हैं, और उनके थ्रो बालों के लिए आया है, उनसे उनका जो चेहरा है बालों के बीच में से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो किसको देखकर मुस्कुरा रही हैं? एट द अंकल, अंकल को जो कि कैमरा लिए खड़े हैं। ए स्वीट फेस, और क्या कर रहे हैं? कैमरा क्यों लिए खड़े हैं? क्योंकि वो उनका फोटो क्लिक करने वाले हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। एक बहुत ही क्या था कि उनका जो मेरी जो माँ का था, बहुत ही सुंदर चेहरा। स्वीट फेस किसके लिए आया? सुंदर चेहरा। माय मदर्स, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉन्ट, कैसा था जब उस टाइम का चेहरा, जबकि वो कैसी थी? पैदा भी नहीं हुई थी उस समय, कहती हैं कि जब मैं पैदा भी नहीं थी, उस समय का चेहरा है मेरी माँ का, बहुत ही सुंदर और मधुर चेहरा है। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और जो समुद्र है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? अपीयर टू हैव चेंजलेस, उसमें कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है, उसमें वो जो का त्यों ही दिखाई दे रहा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फिश, वॉश देयर मतलब वॉश देयर, वैसे तो क्या होता है कि बह जाना, बट यहाँ पर क्या है कि जो समुद्र है वो क्या है? एक इमोर्टल है, ये नश्वरी चीज़ है जो कहती हूँ, बट जो मैन है वो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? मोर्टल है, यानी कि वो नश्वरी चीज़ है। तो इस तरह से जो उनका जो चेहरा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, सॉरी, जो समुद्र है वो इमोर्टल है जो कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट जो उनकी माँ के जो चेहरे हैं वो अब वहाँ पर नहीं है, यानी कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फिश,
ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? ट्रांजिट मीन होता है मोमेंटरी, यानी कि कुछ पल के, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक मोमेंटरी है, कुछ पल के लिए दुनिया में आता है और फिर चला जाता है, तो ट्रांजिट, तो इसलिए उनके ट्रांजिट फीट कहा गया है यहाँ पर। बट समुद्र जो का त्यान, मगर उनकी माँ अब वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ऐसा वो रियलाइज कर रही हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 ईयर्स के बाद, सेकेंड पैराग्राफ में हम बताती हैं कि सम 20 और 30 ईयर लेटर शी एट लाफ एट द स्नैप, वो क्या करती हैं, हंस रही हैं उस फोटो को देखकर। सी बैटी, देखो बैटी एंड डॉली को, शी वो ऐसा कहती हैं, शी वुड सी एंड लुक हाउ दे ड्रेस, क्या कह रही हैं, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि वो उन्होंने कैसे हमको बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहनाए हैं, ठीक है। यानी कि वो 30 साल बाद जब उस फोटो को देख रही हैं और देखकर वो हंस रही हैं और क्या कह रही कि देखो उन्हें, कि उन्होंने जो है समुद्र पर जाने के लिए हमें किस तरह के कपड़े पहना दिए थे उन्होंने। द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, अब क्या है कि जो समुद्र की जो सी हॉलीडेज यानी कि समुद्री छुट्टी थी, वो जो थी उनका पास्ट बन चुकी थी, और वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर, और क्या था, और मेरी माँ की वह हंसी क्या बन चुकी है, द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट एंड माइंड इज हर लाफ्टर, जो कहना चाहिए कि समुद्री छुट्टियाँ तो क्या बन चुकी है उनका पास्ट, और मेरी माँ की वह हंसी क्या हो गई है, मेरा क्या बन गई है, वो पास्ट बन चुकी है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो उनका पास्ट बन चुकी है। बोथ राई विद द लेबर इज विद ऑफ लॉस, अब दोनों क्या हैं कि सबसे बड़े दुख की बात ये है कि दोनों ही बोथ जो हैं अपने अपने राइज विद द लेबर इज ऑफ लॉस। अब राइज का क्या मतलब होता है, राइज होता है कि यहाँ पर कि डिसअपॉइंट विद द आयरोनिकल सिचुएशन, किसी भी आयरोनिकल सिचुएशन में डिसअपॉइंट होना, यानी कि किसी भी मतलब थोड़ा सा अपने आप को सैड बना लेना। तो दोनों जो हैं अपने अपने नुकसान को जो हैं वो ईजीली, ईज मतलब बहुत आराम से सहने का जो है वो कष्ट उठा रही हैं दोनों ही, यानी कि अब जो है उस उनकी माँ नहीं है और वो हंसी, दोनों ही जो हैं इस चीज़ को, इस इनको उठाने का वो कष्ट कर रही हैं, बड़ी इजीली इसको बर्दाश्त कर रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब क्या होता है कि 30 और मतलब क्या कहना चाहिए इसको कि अब जो है मेरी जो माँ है को मरे उतने ही साल बीत गए हैं जितने तक कि वह फोटोग्राफ में लड़की जो है वो जीवित रही है। एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वो लड़की जी रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इन परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इन परिस्थितियों में क्या है, अब जो है स्थितियाँ ऐसी हैं कि माँ के मतलब मरने के बाद का वर्णन जो है कुछ भी मतलब एक्सप्लेन करने के लिए जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, और
कुछ भी कह पाना जो है अपने, यानी कि देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस, यानी कि कुछ भी कह पाना ऐसे जो है साइलेंस एटमॉस्फेयर को, और जो है इस ऐसी साइलेंसनेस को जो है बनाए रखना ही ठीक है। कुछ भी कह पाना जो है बड़ा ही मुश्किल है। ओके बच्चों, तो ये थी आज की हमारी पोइट्री, यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस तरह से अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय गाइज़।